एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। आई थिंक इनफाइनाइट सपोर्ट था, दे वर जस्ट गिविंग, एंड इवन दो आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, द काइंड ऑफ बिलीफ दे हैड इन मी एंड द वे दे पुश्ड मी एंड द वे दे मेड एवरीथिंग इजी फॉर मी, आई विल बी ओब्लाइज्ड टू देम। पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी जी सिंस मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहां भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also, but ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. Thank you. एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। I think infinite support tha, they were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. Shita, pehle corporate mein fir ekdam se jee jee usme ye kaise hua transformation ya kya thought aaya usme? सिंस मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहां भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब टेकिंग अ फर्स्ट हैंड डिसीजन अबाउट विच काइंड ऑफ जॉब आई वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 decades इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉर्पोरेट सेक्टर गेव मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द काइंड ऑफ लर्निंग एंड प्रोफेशनलिज्म आई इनकल्केटेड ओवर देयर हेल्प मी इन माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ऑल्सो, बट अल्टीमेटली आई फेल्ट दैट माई पैशन लाइज इन द पब्लिक सर्विस। आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। थैंक यू। एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। I think infinite support tha, they were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. Shita, pehle corporate mein fir ekdam se jee jee mein ye kaise hua transformation ya kya thought aaya usme? सिंस मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहां भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also, but ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. Thank you.